हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जा रही हूँ फिर से अपने गांव। आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी गांव कैसे जाती है। और आरू और आरू की मौत। फिर आरू हाय बोल दो अपने फ्रेंड्स को। आरू को बहुत खुशी हो रखी है ननिहाल जाने की। आरू अपने मामू से बहुत ज्यादा प्यार करती है आरू। जाती हूँ तो बीच में ये मार्केट आता है। देखो यहाँ पर सब्जी फ्रूट सब मिलते हैं, सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर इस मार्केट में। ये आरू आते ही आ गई है अपनी मामी के पास। और ये मामू बनी मामी की तो गोद में है और मामू को पूछ रही है मामू। ये आरू की माँ है। ये मौसी है जो अभी वापस जाने वाली है। आरू की मौसी और आरू के पापा तो वापस जा रहे हैं। आरू पापा को बाय बाय कर दो। हाय बाय करो। ये देखो अभी हम आए थे तो रास्ते का काम चल रहा था, अभी ये रोलर आ गया है जो उबड़ खाबड़ जगह है उसको सही कर रहा है ये। आरू अपने ननिहाल में आके कितना काम करती है, अपनी माँ की बहुत हेल्प करती है ये। ये देखो हरा लेके आई है। अभी अंदर आ गई हूँ मैं यहाँ पर, तो बकरियों को पानी पिलाने के लिए इनको इधर डाल रही हूँ पानी। इनके अंदर डला हुआ है चने का आटा के कारण ये पानी पी लेते हैं अच्छे से। को इधर आ रहा है ये बड़ा वाला बकरा और इधर ये फूस खा के बैठी है सारी बकरियाँ आराम से। आज आरू जा रही है मेरे मम्मी के गांव और मेरे ननिहाल गाड़ी में बैठ गई है। आरू बाय 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 हाय पाई। हाय पाई तो माँ से करो। हाय पाई हाय पाई हाय पाई बाय 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 बाय। ये आरू के मामू बैठ गए हैं। ये देखो आरू बैठी आज पीछे अपनी माँ के पास। यहाँ पे रेखा घास काटने के लिए लगी हुई है। रेखा घास काटने में एक्सपर्ट है, ये जब से छोटी थी तब से ही काटती है और आज तक ये काटती ही है घास। और ये यहाँ पे देखिए नरेंद्र यहाँ पे घास लेने के लिए आया हुआ है। और ये हमारी मौसी है, मेरी मौसी है यानी रेखा की मम्मी, घास लेने के लिए आई है। आरू अभी घर पे है नहाने के लिए आई है वो। आर गायों के लिए घास काट रही है। ये बाजरा था इसमें बहुत ज्यादा घास हो गया है। बाजरा मेरी नजर नहीं आ रहा है ज्यादा, घास ज्यादा है यहाँ पर, तो घास को पहले काट लेते हैं ताकि बाजरे को अच्छी ग्रोथ हो जाए, थोड़ी जगह मिल जाए बाजरा को। ये बरसात होने के पहले का बाजरा है तो इतना बड़ा हो गया है गायों के लिए ये, और अभी बरसात हो चुकी है।
ये देखिए हमारे यहाँ बरसात के बाद बाजरा बीजा गया है। ये मेरे दो भाई हैं जो देखो मैं घास काट रही थी यहाँ पर आके बैठ गए हैं। एक तो रेडी लेके आया है घास लेने के लिए और ये इधर कुंडा पड़ा है इसमें लेके जाएंगे घास। और ये मेरे नाना जी हैं जो आ रहे हैं मेरी मौसी के पास जाने के लिए, वहाँ पर मौसी के घर हैं वहाँ जाएंगे अभी। कल मम्मी गई थी अपने गांव तो मम्मी अपने साथ लेके आ गई है नाना जी को। हाँ ये मैंने घास काट दिया है और मम्मी अभी कुंडे के अंदर डाल के मशीन के पास डाल के आएगी। तारू की मम्मी आ गई है, तारू अपने नानी माँ की बहुत हेल्प कर रही है, देखो इसके अंदर डाल रही है घास को। पूरा भर देगी आरू तो, पूरा भर देगी ना आरू, पूरा भर देगी ना। ओके ये देखो कितना जल्दी जल्दी डाल रही है। ये नाना जी वापस जा रहे हैं अपने गांव और ये नरेंद्र छोड़ने जा रहे हैं नाना जी को। बाय बाय। मम्मी काट रही है गायों के लिए घास। ये हमारे यहाँ पर बकरियों के लिए बना रहे हैं छपरा। इधर बकरियों के लिए हो रहा है आज नया मकान तैयार। ये छपरा है ये यहाँ पर लगाया जाएगा।